Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday and many, many happy returns of the day. My dearest, my ever dearest, my sweetheart, meri pyari si, ab kya naam loon tumhara? Lekin tum janti ho, aaj maine tumhara naam rakh hi diya hai. Kyunki tum mere liye ek mehaz diary nahi ho. तुम मेरा ऑब्सेशन हो, मेरी धुन हो, मेरा जुनून हो, मेरी सनक हो, और इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम सनक रख दिया है. सनक, आज तुम पूरे 50 साल की हो गई हो. तुम्हें याद है? याद है कुछ? मुझे याद है, जब तुम पैदा हुई थी तो एक नवजात शिशु की तरह तुम्हारी जिंदगी के भी सारे पन्ने खाली थे, सफेद, बिल्कुल सफेद. कितने साल का था मैं? 15 या 16 साल का. जीवन में बहुत कुछ कर डालने की अजीब सी इच्छा एक ज्वाला जैसी भभकती रहती थी मेरे अंदर. शायद एक सेलिब्रिटी बनना चाहता था मैं, और अपने साथ बीती हुई हर छोटी बड़ी घटना को तुम्हारे पन्नों में उतार देने में एक अजीब सा सुख मिलता था मुझे. और उसके बाद तुम्हारे साथ मैं ऐसा जुड़ता गया कि मानो जन्म जन्मांतर का कोई रिश्ता हो हमारे बीच. कभी कभी लगता है कि जिंदगी कितनी तेजी से गुजर जाती है एक इंसान की. हाई स्कूल से इंटर, इंटर से उस प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला, और वो मेरी क्रश, क्या नाम था उसका, खैर छोड़ो, भूल जाते हैं. और फिर एक अच्छा सा जॉब, और फिर शादी. सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में. मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि मुझे अपनी पत्नी वंदना से प्यार हो गया था, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है. और वो मेरे दो प्यारे बच्चे, एक मेरा दिल और दूसरा मेरी जान. छोटा वाला तो इतना नॉटी था कि सब लोग बोलते थे कि गुड्डा है, गुंडा. दोनों आज मेरे साथ नहीं है, शायद हमेशा के लिए अलग हो गए मुझसे. क्या इन सब चीजों का जिम्मेदार मैं हूं अकेला? तुम भी तो सब कुछ जानती थी, मैं तुमसे सब कुछ शेयर करता था. क्या तुम मुझको टाइम से नहीं बता सकती थी कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है? खैर छोड़ो, पता नहीं क्यों मेरी कंपनी ने मुझे फ्रांस भेजा था, उस हाई एंड इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करने के लिए. 3 मंथ्स का कंडेंस्ड एमबीए. पता नहीं क्यों टोनिया को उसकी कंपनी ने उसी प्रोग्राम करने के लिए रशिया से भेजा. क्यों 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 मुझे हमेशा किसी खूबसूरत लेडी को जीतने की इच्छा रहती थी. तुम्हारे पन्ने कोई पढ़े तो एकदम भाप लेगा कि किस तरह की नाटकबाजी की थी मैंने उसे पटाने के लिए. पता नहीं क्यों, और वो भी स्टिफ कॉम्पिटिशन के बीच में. एक नहीं, दो दो रकीब थे मेरे वहां पर. मैंने तो सिर्फ एक टेम्पररी अफेयर करने के लिए उसको सिड्यूस किया था, फ्लर्ट करना चाहता था मैं, लेकिन वो पूरा का पूरा दिल दे बैठी. पता नहीं क्या बात थी टोनिया में,
कि मैं भी उससे पूरा अलग नहीं हो सका. एंड शी हैड गट्स टू कम ऑल द वे टू इंडिया एंड डिक्लेयर दिस इन फ्रंट ऑफ माय वाइफ ऑन हर फेस. कुछ तो था दुनिया में कि मैं भी उससे अलग नहीं हो सका. पूरे 8 साल तक मेरी फैमिली में टेंशन रहा इस बात को लेके. एक एक करके दोनों लड़के यूएस चले गए. वंदना ने इतने बड़े विश्वासघात के बाद भी कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की. गाली गलौज देना तो दूर की बात है. शी वॉज अ स्ट्रांग लेडी. उसका मुझे सजा देने का अपना तरीका था. वेरी कूलली शी लेफ्ट मी. शी गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मी. शी वेंट अवे फॉरएवर. लेकिन ये सब मैं तुम्हें फिर से क्यों बता रहा हूं? तुम्हारी छाती पर तो ये कहानी पूरी की पूरी लिखी हुई है. खैर छोड़ो, चलो छोड़ो, आज कोई सीरियस बात नहीं करते. आज तुम्हारी बर्थडे है. लेट अस सेलिब्रेट दैट. ओके, कैन आई प्लेस यू हियर? चलो केक काटते हैं. 50 ईयर्स केक. ये हुई कुछ बात. चलो भाई केक काटे. अरे अरे रुको रुको, पहले थोड़ा कैंडल तो जला लो. यस, कैंडल जलाना है, फिर कैंडल बुझाना है. आई डू दैट फॉर यू. यस, जानता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं. मेरे साथ तुम हो. तुम कौन हो? मेरी पत्नी? नहीं, यह जगह मैं वंदना के अलावा किसी को नहीं दे सकता. तोनिया को भी नहीं, तुम्हें भी नहीं. बेटी? भला बेटियों के साथ ऐसे सीक्रेट शेयर किए जाते हैं क्या? पत्नी या दोस्त? तुमने कभी भी वक्त पर मुझे कोई एडवाइस नहीं करी, ऐसी कोई सलाह नहीं दी कि जिससे मेरा भला हो. कैसी दोस्त हो तुम? तो फिर तुम कौन हो? मेरी कौन हो? मैं शर्तिया पागल तो नहीं हूं, लेकिन यह भी सच है कि ऑफिस में
जब रहता हूं तो मुझे घर जल्दी आकर तुमसे मिलने की उत्सुकता रहती है, चाहत रहती है। देखो देखो, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, सबने मुझे छोड़ दिया है, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे, हैप्पी बर्थडे।